Hello friends, welcome to Decis Learning. So this is a very important video for all RI aspirant because now you have to upload your marks. Okay, so I will explain everything in detail, how to upload your mark and which mark you need to upload, 5 subject, 6 subject, whatever, everything will be explained. Okay, and the first important thing that I will always suggest you, only follow the official website of exam. आप जब भी कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को आप फॉलो कीजिए, ठीक है, कहेंगे क्योंकि आप दूसरे ऑफिशियल को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अगर इन फ्यूचर हम अपना वेबसाइट बनाएंगे तो जो भी हम कंटेंट वहाँ पे डालेंगे तो वो भी डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से होगा, दिस इज माई गारंटी, ठीक है। एंड अगर इवन हमारा वेबसाइट में आपको कोई डाउट लगे तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। That means official website is most important thing. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप RIC exam का आपको mark update करना है तो यहाँ पे Google में जाके RIC यहाँ पे type करना है, ठीक है। RIC type करो Google Chrome में ही करना है, do it in Google Chrome only. Then the first link will be appear, it is cwe.nsi.gov.in. This is the official website of RI. You need to go to this link. Okay, you need to click on this link. आपको ये पेज देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे candidate login और candidate registration दिया हुआ है, ठीक है। इसी वेबसाइट में ही आपको जो डिटेल मतलब कैसे मार्क अपलोड करने हैं, हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में मिल जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू क्लिक हियर हाउ टू अप्लाई, यू हैव टू क्लिक ऑन हाउ टू अप्लाई, देन देयर विल बी पीडीएफ। सो सी दिस पीडीएफ विल बी विजिबल, आपको ये पीडीएफ जो है शो होगा ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई फॉर एनसीईआरटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE 2022। तो इसी पीडीएफ में सब कुछ दिखाओ, मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा, एवरीथिंग इज देयर। तो मैं इसी पीडीएफ से आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा, ठीक है। यू कैन सी इसको मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है तो उसी से मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, कैसे आपको क्या क्या भरना है फॉर्म में, ठीक है। सी दिस इज द एग्जैक्ट पीडीएफ, ठीक है, यही सेम पीडीएफ है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट में दिख रहा है सेम पीडीएफ है। इसी के अंदर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, यू कैन सी द डिटेल्स। ओके, लेट मी शो द मार्क अपडेट पेज। सी हियर यू कैन सी दैट इट इज रिटेन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर प्लस टू और हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। If you are in science stream, which marks you need to upload, and if you are in R or arts or commerce stream, which mark you need to upload, that is written here in the official website. So see, you need to write the mark, you need to fill the marks. आपको वहाँ पे तीन या चार कॉलम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने आपका PCM या PCB है तो आपको तीन कॉलम देखने के लिए मिलेंगे और एक आपका ओवरऑल आपका एग्रीगेट मार्क्स के लिए एक कॉलम, टोटल चार कॉलम होगा या फिर पांच कॉलम हो सकते हैं। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों है तो आपका यू विल गेट 5 कॉलम्स, ठीक है। सो यू हैव टू पुट योर मैथमेटिक्स मार्क्स, इफ यू डोंट हैव मैथमेटिक्स देन यू कैन पुट योर बायोलॉजी मार्क्स, ओके, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, एंड इफ यू हैव मैथ्स एंड ऑल्सो बायोलॉजी देन यू हैव टू पुट योर मैथमेटिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, एंड ऑल्सो देयर विल बी अनदर कॉलम जहां पर लिखा होगा कि ओवरऑल मार्क, ओवरऑल ऑब्टेन्ड मार्क। तो उसमें आपका 5 सब्जेक्ट ओवरऑल में क्या होता है, देखो ऑल्सो एंटर द एग्रीगेट ऑल सब्जेक्ट्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यू नीड टू फिल ऑल सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द एडिशनल सब्जेक्ट्स, जो आपके मार्कशीट में जो 12th के बाद जो लोग अप्लाई कर रहे हैं आपके मार्कशीट में देखो 5 सब्जेक्ट लिखा होता है, एक सब्जेक्ट आपका वहां पे एडिशनल सब्जेक्ट लिखा होता है फॉर सीबीएसई कैंडिडेट। दो छुआ दिन सीबीएसई, उनको पता होगा कि 5 उनका मतलब सब्जेक्ट होता है, एक एडिशनल सब्जेक्ट। तो यू नीड टू फिल द मार्क आउट ऑफ 500, तो आउट ऑफ 500 जितना मिला है आपको इस साइड में लिखना है और इस साइड में एग्रीगेट ऑफ ऑल टोटल मार्क्स मतलब 500। तो देखो दो कॉलम यहाँ पे होगा, दो कॉलम कैसे होगा, लेट मी शो यू। इस तरह का आपका कॉलम होगा, एक यहाँ पे इस तरह का, दो कॉलम होगा यहाँ पे, एक मिनट, ओके। सो इस तरह का आपका कॉलम होगा, ठीक है, ये मान के चलो चार कॉलम है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे मार्क्स फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 98 मिले हैं आउट ऑफ 100, यहाँ पे 98 आप 100 पुट करोगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका 96 है,
तो यहाँ पे 100 पुट करोगे, यहाँ पे 97, यहाँ पे 100 पुट करोगे, और ये वाला जो होगा आपका 500। सपोज 500 से आपको 480 मिला है तो इस तरह से पुट करोगे, ठीक है। अगर आपका चार सब्जेक्ट, अगर आपका मैथ्स या बायोलॉजी भी है तो यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल 97 आउट ऑफ 100, तो इस तरह से लास्ट में जो यहाँ पे दिया हुआ है 500 से आपको करना है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो कुछ स्टेट बोर्ड में 600 का भी हो सकता है, इन सम स्टेट बोर्ड इट मे बी 1200 आल्सो, व्हाटएवर मार्क्स इज योर एग्रीगेट मार्क, यू नीड टू पुट योर एग्रीगेट मार्क हियर। इफ यू हैव 1100 1200 आल्सो दैट यू कैन पुट एंड द ऑब्टेन्ड मार्क, ठीक है, दैट यू हैव टू पुट हियर। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर। सो आई थिंक फॉर साइंस कैंडिडेट दिस इज सफिशियंट। For arts candidate, for those who have applied for arts, arts के केस में क्या होगा? Arts और commerce, ठीक है, यहाँ पे देखो, for arts और commerce candidate, you can see only two column, आपको सिर्फ दो कॉलम देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे aggregate of all subjects in qualifying examination के marks आपको डालना है। For example, आपका 500 है, तो 500 से आपको अगर 480 मिला तो सिर्फ 480 डाला है, 500 480, आपको physics, chemistry, math, history, geography का marks add करने का जरूरत नहीं है, just you need to add the टोटल मार्क, एग्रीगेट मार्क। यहाँ पे भी लीव द ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पे भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का मार्क आपको छोड़ना है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका मार्क्स यू डोंट नीड टू फिल, ठीक है, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका मार्क फिल करना, ऑप्शनल को छोड़ देना है, एडिशनल को छोड़ देना है। फॉर आपका डिफरेंट स्टेट बोर्ड जैसा आपका मतलब सर्टिफिकेट या मार्कशीट में जिस तरह से होगा उस तरह से आपको करना है, लीव द एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिल अदर्स। तो फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स यू नीड टू फिल लाइक दिस एंड सी। For those who have applied for 2-year B.Ed and M.Ed, I will make another video for them because their mark uploading date will be extended. Most probably that will be extended because एक चीज mark करना कि जब तक आप सबको सारे board सारे university का result नहीं आ जाता है तब तक ये extend होता रहेगा। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं COVID की वजह से late होता था तो हर साल ये जो process है delay होता था, तो इस बार भी अगर आपका marks आपका results नहीं आता है तो process delay होगा, ठीक है, मतलब आपको एक्सटेंशन मिलेगा, आपका डेट्स का एक्सटेंशन मिलेगा। फॉर दोज हू हैव अप्लाइड फॉर इंटीग्रेटेड कोर्सेस, मतलब बीए बीएड एससीबीएड, दैट मींस फॉर 12th, आफ्टर 12th यू हैव अप्लाइड, तो आपका अभी जो डेट है 1 अगस्त, सबका लिखा है फॉर 2 ईयर ऑल्सो, फॉर ग्रुप बी ग्रुप सी सबका, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी सबका 1 अगस्त लिखा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फॉर अदर ग्रुप बी और सी इट मे बी एक्सटेंडेड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, बट As my responsibility or duty is to guide you how to fill your marks, so मैंने आप बता दिया आपको, नहीं तो ये डेट एक्सटेंड हो सकते हैं, तो इस तरह से आपको मार्क भरना है। साइंस वालों के केस में आपको सारे सब्जेक्ट का जिस तरह से आपको मांगा होगा उस तरह से मार्क्स भरने हैं, और लास्ट में एग्रीगेट में जितने आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम एडिशनल सब्जेक्ट उतना भरना है, और फॉर BA BEd, ठीक, फॉर BA BEd इस केस में आपको टोटल मार्क्स ही भरने हैं। ग्रेजुएशन का जो मार्क है वो भी ओवरऑल भरना होता है, लेकिन उसका जो मतलब प्रोसेस है आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। सो इन दिस वीडियो इतना डिस्कस करेंगे, एंड फॉर अपकमिंग कोर्सेज दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर RIC एग्जाम 2023, दे कैन टेक आवर कोर्सेज, दे कैन ज्वाइन स्टडी, दे कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस, दे कैन टेक द स्टडी मटेरियल, एंड दे ऑल्सो कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स में क्या क्या मिलेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कितने टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ वी विल एक्सप्लेन एंड वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।